अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर नया। मैं सलमा अजमल हाजिरा अजमल के साथ आप लोगों का हमारे किचन में वेलकम करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं ईवी का तंदूरी की सब्जी, जो हमारे घर पे जैसे बनती है वो रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, उसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए और वो कैसे बनता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, आज बन रहा है हमारे यहाँ, हम उर्दू में बोलते हैं कंदूरी और इंग्लिश में हो गया ईवी गार्ड। और कन्नड़ा में अगर मैं कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट माय कन्नड़ा व्यूअर्स, दोंडकाई। और हिंदी में तो हो गया कुंदरू, है ना सलमा? Yes. और भी कई नाम हैं इसके, जैसे तोंडली, कोवाई, कोवा, दोंडकाई, बहुत से अपनी अपनी भाषाओं में यूज़ करते हैं, पर ये तीन भाषाएं नहीं, ये बोलते हैं, ये तो मुझे पक्का पता है। तो ये है, और सलमा ये सारा क्या और हाजिरा, यहाँ पे देखिए हमने इसको लंबा कट किया है। okay. तो इससे फ्लेवर आपको ज्यादा आएगा। बहुत से लोग राउंड राउंड सर्कल में काट लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी आप सब ऐसे ही काटें, ऐसे लंबा काटें तो ज्यादा टेस्ट होगा। और यहाँ पे हमने पीनट्स को रोस्टेड पीनट्स लिया हुआ है। ओके। हरी मिर्च, लाल मिर्च, अगर नहीं है लाल मिर्च तो आप सिर्फ हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज, कोकोनट, और यहाँ पे ग्रेटेड वाला ना, हाँ ग्रेटेड कोकोनट, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा और ये तीनों में जाएंगे। ओके। और थोड़ा हरा धनिया भी जाएगा हाजिरा। अभी करेंगे चूल्हे को ऑन, और तेल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा तेल ज्यादा जाएगा तो अच्छा लगेगा, कम भी जाएगा तो भी अच्छा लगेगा। ओके। थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले ऐड करेंगे हाजिरा। ओके। और इसको अच्छा एक सॉटे करेंगे जब, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। अभी हमारे जो हरी मिर्च है वो जाएगी, और स्मेल अदरक लहसुन की मस्त आ रही है ना। हाँ। और अभी हमारी हाजिरा प्याज जाएगी, लाल, हरा, हाँ, पिंक, थोड़ा जैसे ही मतलब ट्रांसपेरेंट होगी तब हम टोमेटो का ऐड करेंगे हाजिरा। और हाजिरा देखिए, ट्रांसपेरेंट हमारी प्याज हो गई है। अभी इस पॉइंट पर हमारा टमाटर ऐड करेंगे। ये गया टमाटो, और अभी इसको अच्छे से पकाएंगे हाजिरा। जो मतलब हमारा टमाटो, जो टमाटर है उसको भी गल जाना है और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तब तक इसको पकाएंगे। अभी इस पॉइंट पर हम नमक ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है, जो प्याज है, वो जल्दी से गल जाए। अब जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं उस हिसाब से आप नमक को ऐड कर लीजिए। अभी क्लोज करेंगे, और तब जब तक हमारा टमाटर नहीं गल जाता दो मिनट के लिए रखेंगे, फिर एक बार चेक करेंगे। और तब तक हाजिरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पीनट्स हैं इसको हम कूट लेंगे। हम मिक्सर, अगर आपके पास ये नहीं है आपके पास, तो आप मिक्सर में ये एक बार कर लीजिए। मैं इसमें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा पाउडर बनेगा, थोड़ा क्रंची मोटा मोटा आएगा तो अच्छा लगेगा। तो आप इसको है तो ऐसे करके डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी सब्जी। और हाजिरा हमारे दो मिनट हो गए हैं, तो अभी चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है। देखिए हमारा टमाटर गल रहा है, अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ी कसर है हाजिरा अभी भी, लेकिन ऑलमोस्ट 80% गल गया है। तो और एक मिनट के लिए ढकेंगे और इसको पकाएंगे। और हाजिरा ये जो स्पेशली जब भी आप ये सब्जी बनाएंगे, जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है, जो 90% जो हमारा टमाटर प्याज जैसे ही गलेगा उससे ही फ्लेवर आएगा हमारी सब्जी में। ओके। तो इस सब्जी में खासकर इसका ख्याल रखिए, ये प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है टमाटर का गलना। और ये देखिए ये अच्छे से कूट गया है, कुछ इस तरह का ही चाह रहे हो ना आप? हाँ, हाँ, देखिए हाजिरा, अगर आप देखेंगे थोड़ा मोटा मोटा रहेगा, अदर गदर रहेगा, तो ये क्या रहेगा, जब एक एक बाइट में आएगा पीनट मजा लगेगा। ओके। और यहाँ पे देखिए थोड़ा मेरा एक मिनट डिले होने पर थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो गई है हमारी प्याज, इट्स ओके, ये भी फ्लेवर अच्छा देगा। तो हाजिरा अभी इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हमारी हल्दी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ हाजिरा, कंप्लीट हम जो मिर्ची हमने यूज़ की है बस उसी से हमें तीखा बनाएगा। और कंप्लीट येलो रहेगी रेसिपी। और यहाँ पे हमारा ईवी गार्ड ऐड करेंगे। और अभी हाजिरा
हमारा नारियल जाएगा। अभी सिर्फ थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से गल जाए, तो अभी सिर्फ थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अभी लिड को क्लोज, वो खुद अपना पानी छोड़ेगा ना, ये पानी नहीं छोड़ेगी ये सब्जी, आपको पता है चल जाएगा ना। हाँ। जो पका रहा है उसको, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग पानी पहले कम ही डालिए, चेक कीजिए, अगर कम लग रहा है तो फिर से ऐड कीजिए। ओके, तो देखिए हमारी सब्जी अच्छे से गल गई है। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे टूटा हुआ है पीनट्स को वो ऐड करेंगे हजरा। ओके, और ये जितना हरी हरी ज्यादा दिखेगी उतना मजे की लगेगी, है ना सलमा? यस, और जितना पीनट जाएगा उतना ज्यादा मजा आएगा। और ये गया हरा धनिया, और अभी छोटा सुधार करके अब हम मिलते हैं आपको हमारे दस्तरखान पे। तो सलमा इसको और दम लगाना है, एक मिनट पे आप छोड़ सकते हैं सिम पे ही। ओके, ढक्कन लगाइए, एक मिनट होने के बाद चूल्हे को बंद करके आराम से दो तीन मिनट बाद इसको सर्व कीजिए। एक मिनट रखेंगे और चूल्हे को बंद करके डायरेक्ट आप टेस्टिंग पे मिलिए। ओके चलिए, तो इसको एक मिनट हम दम पे लगा रहे हैं, फिर एक मिनट के बाद चूल्हा ऑफ कर देंगे, फिर ठंडा होने के बाद मिलते हैं। बढ़िया सा, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे सलमा ने बेहतरीन से पराठे तैयार कर लिए हैं, और गज़ब के बनते हैं सलमा के हाथ के पराठे। तो इसको और उसको ठंडा होने के बाद हम मिलते हैं आपको। हो गई सलमा क्लीनिंग व्लीनिंग? चलिए, और ये देखिए एक मिनट के बाद मैं चूल्हे को कर रही हूँ बंद, और मिलते हैं आपको इसके ठंडे होने के बाद। देखिए ये हमारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं, और ये यहाँ पे रही सब्जी, और ये ऐसे लग रहा है कि छोटा सा खीरा है यहाँ पे, फोटो के लिए हमने स्टाइल के लिए काट के रखा है। तो चलिए मिलते हैं हमारे डाइनिंग टेबल पर। तो ये सलमा वेस्ट गई ना। हाँ। फोटो के चक्कर में बेचारी, लेकिन ऐसे ही खा सकते हैं क्या इसको? ट्राई करो तो सही रहेगा। तो एक आज हमारी बनी है इवी गार्ड की सब्जी, और दूसरी है बीटरूट की सब्जी। तो दूसरी है, अगर कोई किसी को बीटरूट की सब्जी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं पहले जो हमने रेसिपी बनाई है उसी रेसिपी के साथ शुरुआत करती हूँ। मुझे शर्मा ने कहा और मैंने सुना और मैंने खाया। जी बिल्कुल, टमाटर का गलना और ये जो कंदूरी होती है उसका एग्जैक्ट वो जैसे शेप में है उसी शेप में मिलना, ये एक उसकी अलामत होती है कि आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और सलमा जो आपने बताया ना पीनट्स को, मूंगफली को जिस तरह से कूट कूट के डालेंगे वो सारा टेस्ट इसमें बिल्कुल आ रहा है। तो यही देखता हूँ, तो चलिए सलमा भी थक गई है, सलमा को भी नाश्ता ख़त्म करना है अपना। तो चलिए इसी नोट पे हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे साइन आउट करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ज़्यादा हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो सलमा मैं बीटरूट मतलब शलगम ना खाऊं ऐसे नहीं हो सकता, वीडियो के लिए वो भी खा लेती हूँ। चलिए बाय।